My name is Preeti and आज हम एक basket decoration सिखाएंगे आपको, जिसके लिए हमें सबसे पहले एक newspaper चाहिए। It's better कि आप newspaper पहले ही अपने table पे लगा लें, ताकि जब हम spray करें तो आपका table खराब ना हो permanent spray की वजह से। So हमने newspaper बिछा दिया। ये एक हमने square basket ली है। आपके पास जो basket available हो, आप वो ले सकते हैं। ये depend करता है कि आपको कितनी बड़ी bouquet से decoration करनी है। ये है हमारा स्प्रे जिससे हम ये बास्केट को कलर करेंगे। मेरे पास सिल्वर स्प्रे है, आपको जो कलर चाहिए मार्केट में अवेलेबल है। तो ये है नेट रिबन, ये मैंने 12 इंच का कट कर लिया है। सो इसे हम बोज बनाएंगे। सैटन रिबन 1/2 इंच और कुछ ये स्टोन्स हैं जो कि हम डेकोरेशन में यूज करेंगे। सो आई थिंक लेट्स स्टार्ट। पहले स्प्रे को यूज करने से पहले हमेशा शेक कर लें। सो ऐसे करके हम शेक करके ये हो गया। अब हम इसको एक साइड पे रख देते हैं ताकि ये प्रॉपर सूख जाए पूरा। तब तक मैं आपको भोज बनाना सिखा देती हूँ। ये हमने लिया है नेट रिबन जो है 12 इंच। सो अब इसको ऐसे फोल्ड कीजिए, देन दिस एंड इसमें अंदर करके ऐसे करके नॉट लगा लीजिए। सो फाइनली हमारी वो बन गई है और जो कुछ इस तरीके से दिखेगी। अब हम डेकोरेशन स्टार्ट करते हैं। हमारी जो बास्केट है वो सूख चुकी है। सो हम अब डेकोरेशन, हम सैटन रिबन लेंगे और ये जो हमारी ग्लू गन है उससे थोड़ी सी ग्लू लगाएंगे एंड में। इसको ऐसे करके पूरा जो बाउंड्री है नीचे से उसको कवर कर लेंगे। इसको चारों तरफ से ऐसे कवर कर लेंगे। अब मैं इस पे आपको बो प्लेसमेंट करना सिखाऊंगी। ये हमने बोज बनाई हुई है जो मैंने आपको सिखाई थी बोज बनाना। आप 10 से 12 बोज अपने बुके अपने बास्केट के अकॉर्डिंग बना लीजिए। सो जितनी आपकी नीड हो आपके बास्केट की साइज पे डिपेंड करता है। अब मैंने थोड़ी सी ड्रॉप लगाई ग्लू गन, ये हमारी ग्लू लग गई और हमने बो को प्लेस कर दिया। अब इसको डेकोरेट करने के लिए एक हमने हार्ट स्टोन लिया, उस पे ग्लू लगाई और उसके सेंटर में पेस्ट कर दिया। तो ये कुछ ऐसा लगेगा। अब इसके बाद आपकी और जितनी बोज हैं उनको अरेंज करिए एक के बाद एक और चारों तरफ से उनको प्लेस कर दीजिए और सेंटर में एक हार्ट कलर का हार्ट का रेड कलर का स्टोन लगा दीजिए। सो तो जब सब आप सब फिनिश कर लेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगी बास्केट।